ये है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम और ये है यहाँ की पहली बार। तो भाई साहब सेकेंड टाइम एक हफ्ते के अंदर, नहीं लास्ट वीक में आया था मैं आई थिंक से फ्राइडे को, और आज फिर आया मैं मंडे को, क्योंकि मैं पूरा घूम नहीं पाया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे रुकना पड़ा और मैं लेट आया था। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं उसके बाद में एंट्री करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी अपने को देखने को मिलेंगी, जो कि ये पानी के प्रेशर से चल रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं पानी का आवाज़ भी आ रहा है। तो पूरा पूरा सेशन डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। आप लोग देख सकते हो मैं प्रेजेंट टाइम में कहाँ हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट स्टेडियम। तो मैं हूँ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। स्टेडियम को मैं देखने के लिए आया हूँ आज। एक्चुअली मैं 5-6 दिन से यहाँ रुका हुआ था, बट मुझे लग रहा था कि मैं जाने के टाइम देखूंगा वो रास्ते में ऑन द वे पड़ेगा, बट बाद में पता चला कि नहीं, यहीं पर है, करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही। एंट्री लेते ही हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और सिर्फ 30 रुपीज़ का टिकट लिया इन्होंने। ये है धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम और ये है यहाँ की पब्लिक, सब सिर्फ और सिर्फ फोटो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए यहाँ पर। क्या बात है, इससे ज़्यादा हमें अलाउड नहीं है जाने के लिए यार, क्या बेवकूफ़ बना दिया। हमें तो लगा था फील्ड में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, मस्ती करेंगे। अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो बहुत छोटा स्टेडियम है, वानखेड़े से तो छोटा ही है ये, बिकॉज़ मैं जब वानखेड़े में गया था तो मैंने देखा था वहाँ पर, उसके बाद तो फिर जाने का चांस ही नहीं मिला, ना ही कभी मैंने ट्राई किया। जान पहचान के तो बहुत सारे लोग थे, चाहता तो मैं टिकट भी लेके जा सकता था या फिर कहीं से सेटिंग करके जा सकता था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये भी छोटा है वानखेड़े के अकॉर्डिंग। तो ये क्रिकेट स्टेडियम 2003 में स्टार्ट हुआ था बनना, और ये हिमाचल प्रदेश के तिब्बती दलाई लामा के वजह से काफ़ी फेमस है, और करीब इसकी कैपेसिटी 27,000 लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। अभी तो फ़िलहाल इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह कुछ चल रहा है, काफ़ी रिनोवेशन का काम चल रहा है। मैं तो बस ऐसे आया था, टाइम पास करके जा रहा हूँ यहाँ से, फिर कभी फ्यूचर में देखूँगा अगर चांस मिला यहाँ पर आने के लिए तो। आप देख सकते हो पूरा का पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, फिर जाएंगे। मैं तो निकल लिया अभी भाई फिलहाल, सबको बाय बाय टाटा हेलो। ठीक है 30 रुपीज़ चार्ज किया इन्होंने, बट मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ मनी है 30 रुपीज़ भी, बिकॉज स्टेडियम में पूरा आप घूम नहीं सकते, सिर्फ वन साइड आप जाओगे उसके बाद में वहीं से रिटर्न आना है, तो 30 रुपीज़ वेस्ट ऑफ मनी। एक्चुअली विजिटर्स को यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये 7 फ्लोर का है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए यहाँ पर अलाउ है जाना। तो चलो अभी फ़िलहाल हम रिटर्न चलते हैं यहाँ से, और चलते हैं सीधा मॉनेस्ट्री।
फिलहाल तो मैं भी सिद्धवारी के लिए ऑन द वे हूँ, क्योंकि मुझे वही इंस्टीट्यूट भी देखना है। तो चलो सीधा चलते हैं हम सिद्धवारी नॉर्विलिंगा मॉनेस्ट्री। बस पहुंचने वाले हैं हम मॉनेस्ट्री। वेलकम टू नॉर्विलिंगा। पार्किंग फ्री, थैंक यू सुंदरी। तो चलो भाई, अभी सुंदरी को खड़ा कर दिया वन साइड, क्योंकि आगे लास्ट टाइम बारिश था तो पार्किंग का थोड़ा इशू हो जाता है मुझे। तो अभी चलते हैं सीधा इंस्टीट्यूट घूमने के लिए। तो भाई साहब, सेकेंड टाइम एक हफ्ते के अंदर, नहीं लास्ट वीक में आया था मैं, आई थिंक से फ्राइडे को, और आज फिर आया मैं मंडे को, क्योंकि मैं पूरा घूम नहीं पाया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे रुकना पड़ा और मैं लेट आया था। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद में एंट्री करते हैं। नाम क्या है आपका? सॉरी, आपका नाम बताओ। इधर आके, इधर फेस पे लाइट आ रहा है। क्या है? थामो। ये वीडियो में से निकाल दूंगा, नहीं बहुत मारेंगे लोग मुझे। क्यों? जो मैंने आपको क्यूट बोला। तो चलो भाई, फिलहाल तो हम एंट्री ले चुके हैं। तो हम जैसे ही एंट्री लेंगे, राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है नॉर्लिंग, और स्पेशल वेज 550 लंच प्लस 5% GST, और यहाँ से स्टार्ट होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज़ का फ्लावर हो सकता है यार, बहुत खूबसूरत सा है, और पूरा का पूरा जो है इन टहनियों में फंसा पड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी अपने को देखने को मिलेंगी, जो कि ये पानी के प्रेशर से चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी का आवाज़ भी आ रहा है नीचे से। तो भैया नेक्स्ट, और एक एंट्री लेने के बाद लेफ्ट में भी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। ये खूबसूरत सा अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और मुझे ये बहुत पसंद है। ये रहा रेस्टोरेंट, सबसे खूबसूरत, सबसे महंगा, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट का नाम है नॉर्लिंगा हाउस। वाओ। और यहाँ से इनका एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। तो चलते हैं अब हम आगे। Thank you.
तो पूरा पूरा सेशन डिस्कस करते हुए हम लोग यहाँ पर, और हम अंदर जाते हुए आप इसके दोनों साइड में देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा वर्कशॉप है जहाँ पे हम लोग फर्नीचर की पूरी पेंटिंग वेंटिंग करते हैं। और ये साइड में अगर हम बात करें तो कपड़े की कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सारी चीज़ें चल रही हैं वर्कशॉप में। उस दिन हम आए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, मैं पूरा का पूरा खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था और फिर मुझे आना पड़ा बिकॉज बंद ही हो गया था। मैं चाहता तो पूरा घूम सकता था अगर बारिश नहीं हुई होती तो तो आ चुके हैं हम खूबसूरत सी दुनिया में, बहुत ही खूबसूरत ये दुनिया है तिब्बत लोगों का, होना चाहिए यार ऐसे खूबसूरत, बट हमारे यहाँ देखने को कहाँ मिलता है इतनी खूबसूरती। सेम वाटर का सोर्स जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखाया वही सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा है। उस दिन तो जब मैं आया था बारिश हो रही थी तो पानी चल रहा था, तो फिर इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और आवाज़ कर रहा था, आई थिंक इसके अंदर बेल वगैरह लगा हुआ होगा। ये आप देख सकते हो पेंटिंग, अगर आप लोगों को ऐसी खूबसूरत दुनिया, ऐसी खूबसूरती देखनी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर मैं मेरे वीडियो के थ्रू छोटे छोटे क्लिप्स सिर्फ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ऊपर जाने के लिए आर्ट गैलरी है, पहले मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करूँगा उसके बाद में फिर आप लेके चलूँगा आपको आर्ट गैलरी। और बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और ये पूरा का पूरा इनके कल्चर को, इनकी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। अंदर लिखा गया है कि मौन धारण करिए। पेंटिंग ही पेंटिंग पूरी खूबसूरत। कृपया प्रवेश न करें, डू प्लीज डू नॉट इंटर, नो एंट्री। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा ऊपर आर्ट गैलरी में और दिखाते हैं वहाँ से कुछ मंदिर परिसर के जो है व्यूज़।
ये मैडम ने मेरी पिक्चर्स क्लिक करी, थैंक यू। अब हम चलते हैं सीधा नीचे, यहाँ से शानदार व्यू। उस दिन कुछ अलग ही दिख रहा था, वो भी मैं क्लिप्स जरूर शेयर करूँगा मेरे वीडियो में। यह है स्टूडियो एंड आर्ट गैलरी। तो अभी हम लोग स्टूडियो से आए बाहर एंड वहाँ पे सब अपने काम में बिजी थे, कोई किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था और ना ही किसी को देखना चाहता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे या मैं हो जाऊँ। तो मैं फिर यहाँ पर आ गया। क्या है वो सीढ़ियाँ ही खतरनाक हैं यार। आई थिंक मुझे समझा ही नहीं हो क्या है था इस चीज़ का ऑफिस। एंड ये भी पर्सनल केबिन, इट्स ए क्लास। ओके मिस्टर ए क्लास, टाइप्स ऑफ क्लास मीन्स व्हाट? इंग्लिश क्लास, ग्रामर। ओके नहीं नहीं वीडियो बंद है क्या? लिसन, ये कौन सी जगह मिल गई तुमको मस्ती करने के लिए अथर्व? हेलो 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 हेलो, हेलो करो, हाय अथर्व, बाय अथर्व, बाय 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 बाय। तो भाई बहुत इजी है यहाँ पर आना। धर्मशाला से करीब 7 to 8 किलोमीटर पहले ही मार्केट है योल। योल से करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा अपने को टर्न आएगा राइट साइड में, एक ऐसा
सर्कल टाइप का बना हुआ है, वहाँ से आपको अंदर आना है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर। जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा देखने के लिए। इजीली आ सकते हो आप अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो भी, और अगर आप बाई रोड या बस आ रहे हो दूसरे ट्रांसपोर्ट से तो आप डायरेक्ट हायर करके आ सकते हो, या फिर आपको मेन रोड से पैदल भी चल के आओगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट एज अ वॉकिंग डिस्टेंस टाइम लगने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मुझे तो ओवरऑल धर्मशाला में अब तक जितना मैं घूमा हूँ दलाई लामा टेम्पल्स में, सबसे बेस्ट मेरे को ये लोकेशन लगा। और यहाँ की जो खूबसूरती थी बारिश के टाइम पे, जो कि मैंने लास्ट वीक के फ्राइडे को थोड़े 1 घंटे के लिए यहाँ पर आ पाया था, फिर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सब कुछ बंद, मतलब कि जैसे कि सब कुछ रुकने वाला है, इतनी बरसात हो रही थी, तो मुझे भी कहीं रुक के जो है इंतज़ार करना पड़ा, जहाँ पे मेरा कम से कम 1 घंटा ऐसे वेस्टेज चला गया। और इनका टाइमिंग होता है 5:30 बजे बंद होने का, तो मैं जैसे ही एंट्री लिया तो थोड़ा बहुत देखा वर्कशॉप वगैरह इनका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हो। तो उसके बाद में फिर वो बंद करने लगे और मुझे भी बंद करके यहाँ से जाना पड़ा। तो फिर मैं सोचा कि सैटरडे या संडे आ जाऊँ, क्योंकि लोगों ने बोला कि आप आ सकते हो, टेम्पल वगैरह खुला रहेगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मुझे वर्कशॉप में भी थोड़ा टाइम पास करना है, देखना है कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मेरे ब्लॉग के थ्रू देख रहे हो, मैंने दिखाया आपको वर्कशॉप में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी एक्टिविटीज़ हैं इनकी, कितने अच्छे आर्ट्स होते हैं, मतलब एक बारीकी से एक एक चीज़ें इन लोग जो है चूज़ करके करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर, और यहाँ पे जो है भगवान के दर्शन करिए, भगवान बुद्ध के, और इन्जॉय करिए यहाँ की खूबसूरती और नेचर ब्यूटीज़ को। एंड यहाँ पे एंट्री फ़ीस की मैं बात करूँ तो जो फॉरेनर्स होते हैं, बाहर कंट्रीज आते हैं, उनके लिए 150 रुपीज़ चार्ज है। एंड हम इंडियंस और लोकल जो हिमालयन होते हैं उनके लिए जो है ओनली 450 रुपीज़ चार्ज होता है। और टाइमिंग इनका सुबह कुछ 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे का होता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल आज का अभी का ये ब्लॉग में मेरा यहीं पे ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। थैंक यू, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं किया है मेरे चैनल को बेल जो नोटिफिकेशन होता है आइकन का, उसको प्रेस करके रखना, ताकि मेरी जो दूसरे नए ब्लॉग्स में आप लोगों को टाइमली अपडेट हो सके, मिल सके। ओके, थैंक यू। तो भाई विजिट हो गया, देख के हो गया, सब रिकॉर्ड करके हो गया, बस आप लोगों का प्यार चाहिए मेरे वीडियो के लिए और कुछ नहीं। कभी आप धर्मशाला आना तो इस इंस्टीट्यूट में आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत खूबसूरत है धर्मशाला का ये इंस्टीट्यूट।